We are live, guys. Hello. Good morning, all. Am I audible to all? Good morning, yes. Anya. Yeah, thank you. Anish, Dinanath sir, and Jigisha. Thank you for coming on time. And we'll start in 2 minutes. We are expecting few more people to join in. आप में से कितने लोग हमारे पहले दो सेशंस में थे? Could you type in the chat box if you were there for the first two sessions? Okay, Arya was there. Anybody else? Jigisha. Okay, right. Jigisha was also there. Great. So आज का session हमारा basically children and stock markets के ऊपर है. But before we begin our today's session, for those of you who were not there for the first two sessions, मैं थोड़ा सा एक small recap लूँगा हमारे पहले दो sessions के बारे में. So till the time rest of the children join in, we want to have as much of participation from you all. Make this a very interactive session. आप हमसे सवाल पूछे and hope you make the most out of this 1 hour, whatever we discuss today. तो जैसे हमने ये वेबिनार सीरीज चालू किया था, हमने पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी कर लिया है. पार्ट वन में वी डिस्कस्ड अबाउट मनी, मतलब व्हाट इज मनी, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ. प्लानिंग के बारे में हमने बात की, थोड़ा सा बजटिंग के बारे में हमने बात की. तो बेसिक्स हमने पार्ट वन में कवर करने के लिए ट्राई किया कि पैसा क्या होता है. फिर सेकेंड पार्ट में हमने बात की थी अर्निंग्स, आप पैसे कैसे कमाएं. वी ऑल्सो गेव यू टास्क, पैसे आप कैसे कमा सकते हैं. एक वीकली टास्क आपको दिया गया था. फिर एक्सपेंसेस क्या होता है, सेविंग्स आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सेकेंड पार्ट में बात की. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंशिएट क्या कैसे करते हैं. सेविंग्स क्या होता है और इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप क्या क्या कर सकते हैं, डेट इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कमोडिटी या रियल इस्टेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वी स्पोक अबाउट दैट. रिस्क और रिवॉर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स देर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड डेफिनेटली देर इज रिवॉर्ड. सो वी स्पोक अबाउट बोथ दीज एस्पेक्ट्स कि इन्वेस्टमेंट्स आप जब भी करते हैं तब आपको रिस्क के बारे में भी सोचना है जब आप रिवॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं. फाइनली गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, आप कोई भी इन्वेस्टिंग जब भी करते हैं तो इट हैज टू बी गोल बेस्ड. सो पार्ट वन और पार्ट टू में बेसिक्स ऑफ मनी और इन्वेस्टिंग के बारे में हमने जाना. आज का हमारा जो सेशन है इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में है बेसिकली. एंड एज वी हैव ऑल लर्नड कि इन्वेस्टिंग में स्टॉक मार्केट्स या इक्विटी इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. आपको अगर पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, स्टॉक मार्केट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. एंड एज द वेबिनार सजेस्ट फॉर टूडे, स्टॉक मार्केट फॉर अर्ली स्टार्टर्स. हम चाहते हैं कि आप जितना जल्दी इसके बारे में सीखे, द मोर यू नो अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट फ्रॉम द अर्ली एज, द बेटर यू विल बी इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट्स. सो आई थिंक विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम नाउ, आई विल हैंड ओवर द सेशन टू चार्मी गांधी. शी इज वन ऑफ आर टीम मेंबर्स एंड पूरा सीरीज चार्मी रन कर रही है. पास्ट टू सेशन भी उसने ही की है. सो वेलकम चार्मी एंड लेट्स हियर अबाउट children and stock markets from her. Thank you so much, sir. Good morning, friends. Good morning, bolo pehle ekdam aisa. Good morning. Good morning. Good morning. Yaad hai last time ka, abhi itna summarize kiya, yaad aa gaya sab kuch, kya kya seekhe the? Yes. Last kya homework tha? Kya diya tha maine? Yaad hai? Charmi, sorry to cut you. Passcode for the webinar? Because a couple of people calling me up. Let me check. One second. तो लास्ट होमवर्क क्या था, किसको याद है? ओ माय गॉड, कितना सिंपल होमवर्क दिया था. जो भी प्रोडक्ट्स यूज करोगे उसको क्या करना है, गूगल करना है ना? चेक करना है. परफेक्ट, तो आपने किया नहीं किया? अच्छा, मनी कंट्रोल डाउनलोड किया? हाँ.
वेरी गुड, ठीक है चलो, तो आज हम लोग जो पहले सीखा था उसके कंटिन्यूएशन में करेंगे, ठीक है? तो जिसने जिसने अगर नहीं पता है कि लास्ट टाइम क्या सीखा था, जिसने अटेंड नहीं किया है, तो मैं लास्ट में फेसबुक लाइव का लिंक भेज दूंगी, तो वो रिकॉर्डेड सेशन आपको देखना है, तो आज का जितना भी हम लोग सीखेंगे वो भी समझ जाएगा. कूल, शैल वी स्टार्ट? अमेजिंग. ओके, तो हम लोग ने लास्ट टाइम यस बोला था कि इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बात की थी, राइट? तो हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न रिटर्न, पैसे कमाने हमको. What? Yes, Anish Rane, आपने hands up मैम, किया. आई नो नो आई वॉज नॉट देयर लास्ट क्लास, Okay, so I'll send बट आई Facebook नो द link. आंसर, बट आई नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. व्हेन अ कंपनी गोस पब्लिक, देन इट विल बी लिस्टेड ऑन द शेयर मार्केट. Oh my God, amazing, perfect. So, but why does it want to get listed? Why does it come on share market? Do you know that? Yes, because then people will buy their stocks, Why they and then want people to buy their stocks? because they will also earn extra money that way. परफेक्ट, अमेजिंग अनिश, थैंक यू सो मच. तो सेम वे, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं फॉर दोज हु डोंट नो, ठीक है? तो अभी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न मनी. अभी कंपनी को भी पैसे कमाने हैं, राइट? उसको भी पैसे चाहिए होंगे ग्रो होने के लिए, तो दैट इज वाई शेयर कंपनी कम्स इन टू द शेयर मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो दिस गर्ल? यहाँ पे बैठी हमारे साथ, आपकी फ्रेंड होगी मे बी, आर्या. तो एकदम फर्स्ट जो वेबिनार था यस हमारा, उसमें हम लोग ने बोला था कि यू नीड टू डू अ एक्टिविटी जिससे आप अर्न करोगे, ठीक है? तो आर्या ने मुझे ये फोटो भेजा था जिसमें शी इज पेंटिंग बॉटल. तो सबको बोला था, शी वॉज लाइक कि मैं मेरा मेरा क्राफ्ट बहुत अच्छा है, आई हैव एक्स्ट्रा बॉटल्स, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उसको पेंट करूंगी एंड देन मैं उसको सेल करूंगी. तो उसने बॉटल्स पेंट की, बाद में उसके फोटोज लिए, फिर इंस्टाग्राम पे डाला, स्टेटस पे डाला, हर जगह पे उसने बेचने के लिए डाला. फ्रेंड्स को कॉल किया, रिलेटिव्स को कॉल किया, सपोज, हाँ ठीक है. तो फिर उसको अच्छा रिस्पॉन्स आया, दो तीन जन ने बोला कि मुझे बॉटल्स चाहिए, तो दो तीन जन ने उसके पास से बॉटल्स ली, तो वो खुश हो गई, उसने पेंट वगैरह करके बॉटल्स दे दी, उसको पैसे मिले. फिर अभी वो जो दो तीन लोगों ने बॉटल्स खरीदी थी, सपोज अनिश राणे ने बॉटल खरीदी, निमिषा ने बॉटल खरीदी, अभी वो लोग ने उसके फ्रेंड्स को दिखाए, उनको भी बड़ी अच्छी लगी, तो वो लोग ने बोला कि मुझे भी चाहिए, तेरी फ्रेंड को बोल मेरे को भी दे. तो वो लोग ने वापस ऑर्डर दिया आर्या को. तो अभी उसको कितनी बॉटल्स का ऑर्डर है? 10 बॉटल्स का ऑर्डर है, ठीक है? तो अभी उसके पास पेंट पड़ा था, वापस वही उससे पेंट किया उसने, मस्त बॉटल्स वगैरह बनाई एंड वो 10 बॉटल्स उसने दे दी. अभी उसके भी फ्रेंड्स, फिर इंस्टाग्राम से जहाँ से भी वो एडवर्टीजमेंट करी थी, हर जगह से सबने बोला यार इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, डिजाइन इतनी अच्छी है, इतना मस्त प्रोडक्ट है, तो मुझे और बॉटल्स चाहिए. ऐसे करके उसको 100 बॉटल्स का ऑर्डर आया. नाउ 100 बॉटल्स, ठीक है? दो तीन बॉटल के लिए तो पेंट था, अभी इतना सारा पेंट होगा कि उसके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत था ना, उसके पास थोड़ी बहुत बॉटल्स थी. अब इसको पेंट चाहिए होगा, बॉटल्स चाहिए होगी, सब कुछ चाहिए होगा. तो अभी उसने बोला कि ये सब के लिए तो पैसे भी लगेंगे, पहले जितने कमाए थे वो तो थोड़े ही है, और मुझे पैसे चाहिए, अभी मैं क्या करूं? तो फिर उसने सोचा, फिर मम्मी को प्रॉब्लम बताई, तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं तेरे को देती हूँ पैसे, तू कर, एज अ लोन दूंगी मैं पैसे, जब भी तेरा प्रॉफिट रिटर्न पैसे आएंगे तेरे को तो मुझे दे देना. तो एज अ लोन उसने मम्मी के पास से पैसे लिए, फिर 100 बॉटल्स ली, पेंट लिया, सब कुछ लिया, उसका रॉ मटेरियल लिया, डिजाइन सोची अच्छी अच्छी और उसने सब कुछ पेंट करके 100 बॉटल्स दे दी. अभी ये सब कुछ अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ठीक है? फिर वन डे शी गॉट ऑर्डर फॉर 1000 बॉटल्स. ओके, 1000 बॉटल्स, थिंक ऑफ इट. तो अभी अगेन आर्या लाइक, अब इतना सारा मैं पेंट कहाँ से लाऊँ, इतने सारे पैसे, और अकेली कैसे करूँ 1000 बॉटल? आई विल नीड समवन हेल्प, और जो भी मेरे को हेल्प करेगा उसको पैसे भी देने पड़ेगा ना, ऐसे ही करेगा क्या कोई हेल्प? आई एम अर्निंग द पर्सन हु इज हेल्पिंग मी, शी और ही नीड्स टू अर्न एज वेल, राइट? तो फिर अभी 1000 बॉटल का ऑर्डर है, तो अभी वापस मम्मी के पास गई, मम्मी मुझे अभी 1000 बॉटल का ऑर्डर है, पैसे मिलेंगे? तो मम्मी ने बोला इतना सारा पैसा मैं कैसे दूँ तुझे, मैं तो नहीं दे सकती. तो अभी आर्या एकदम टेंशन में, क्या करूँ? तो उसने क्या किया, रिलेटिव को कॉल किया, फ्रेंड्स को कॉल किया, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग मुझे दे सकते हो तो मैं आपको रिटर्न दे दूंगी, टेंशन नहीं है, मैं आपको एक बार जैसे ही मुझे मैं मेरी बॉटल्स बिक जाते हैं मैं आपको रिटर्न दे दूंगी. तो रिलेटिव ने बोला कि योर प्रोडक्ट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड एंड यू आर गोइंग टू गिव मी बैक मनी, माई यू आर गोना गिव मी माई मनी बैक, तो मैं आपको देती हूँ पैसे. तो रिलेटिव्स ने दिए, फ्रेंड्स ने थोड़े दिए, ऐसा जमा करके उसने 1000 बॉटल्स के लिए क्या किया, उसने एक छोटी सी प्लेस ले ली एंड फिर वहां पे एक किसी हेल्पिंग हैंड को भी रख दिया साथ में, एंड देन वो बॉटल पेंट करने लगी. फिर 1000 बॉटल्स का ऑर्डर खत्म हो गया उसका, एकदम ये छोटा सा स्टार्टअप एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है? शी इज गेटिंग ऑर्डर्स.
फिर एक दिन उसको 10,000 बॉटल्स का ऑर्डर आया। अभी तो वो रिलेटिव्स को बोलेगी तो रिलेटिव्स भी बोलेंगे भाई कैसे पैसे लाओ, तेरा तो बिजनेस बढ़ते जा रहा है पर मैं कहाँ से पैसे लाऊँ। तो अभी क्या करेंगे वो, तो अभी उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम करती हूँ बैंक से लोन लेती हूँ। तो वो गई बैंक के पास, बैंक को बोला कि मुझे लोन दो ना, देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने 3 बॉटल से स्टार्ट किया था, अभी मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, मैं आपको पक्का लोन रिपे कर दूंगी। तो बैंक ने बोला ठीक है मैम आपको लोन देते हम। तो उसने लोन लिया, अभी छोटी जगह थी, 1,000 बॉटल जितनी जगह थी जहाँ पे वो कर सकती थी, अभी और लोग चाहिए हो गए, और बड़ा जगह लेना पड़ेगा उसको। तो उसने एक अच्छी बड़ी प्लेस भी ली, फिर वहां पे और 2-3 लोगों को ऐड कर दिया हेल्पिंग हैंड के लिए, और वो बॉटल्स पेंट करने लगी। ठीक है, अभी 10,000 बॉटल्स का भी ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया। अभी आर्या का प्रोडक्ट इतना अच्छा है, क्वालिटी इतना अच्छा है कि उसको 1 लाख बॉटल का ऑर्डर आया। 1 लाख, ओके 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख बॉटल्स। ओके, आर्या एकदम बिजनेस वूमन बन गई है, शी इज लाइक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शी हैज सो मेनी पीपल। अभी 1 लाख बॉटल का ऑर्डर है तो क्या सब हाथ से तो नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ मशीन ला लिए, उसने क्वालिटी अच्छे पेंट्स की और क्वालिटी अच्छी कर दी एकदम, बहुत सारे कलर्स ले लिए, तो ये सब के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अभी 1 लाख बॉटल का ऑर्डर, तो बैंक ने भी बोला भाई हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, फिर अभी फ्रेंड्स और रिलेटिव भी नहीं दे पाएंगे, 1 लाख बॉटल मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए। करेक्ट, उसने क्या बोला कि लेट मी डू वन थिंग, मैं पब्लिक को बोलती हूँ पैसे देने के लिए, पब्लिक मेरा बॉटल ले रहा है ना, दे थिंक माई प्रोडक्ट इज गुड, क्वालिटी अच्छा है, मैंने 3 बॉटल से स्टार्ट किया था, नाउ आई एम सेलिंग लैक्स ऑफ द बॉटल्स। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं पब्लिक को बोलती हूँ कि मेरे कंपनी में पैसे डालो, मेरा कंपनी ग्रो होगा तो आपको भी पैसे मिलेंगे, और मेरा कंपनी ग्रो रहा है तो मेरा भी विन विन सिचुएशन हो गया। यस नो यस यस यस। तो मतलब कि कोई भी कंपनी को जब भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर पब्लिक से पैसे मांगती है, मतलब उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब क्या, द ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, उसने छोटे से शॉप से स्टार्ट किया था आर्यन ने, एंड नाउ शी इज अ बिग कंपनी, बिग फैक्ट्रीज, अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अंडर हर, राइट? सो दैट इज व्हाट आईपीओ इज, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, ऑफरिंग मतलब ऑफर किया, किसको किया, पब्लिक को किया कि आप आओ मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम मस्त है, मेरे प्रोडक्ट में मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं मेरी कंपनी को ग्रो करूंगी ये पक्का है, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी है, तो मेरे को ऑर्डर फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, और मेरा प्रोडक्ट अच्छा है इसके लिए सेल्स जितना ज्यादा होगा उतना मेरा कंपनी बड़ा होगा, और जितना मेरा कंपनी बड़ा होगा उतना मेरा शेयर प्राइस बड़ा होगा, मतलब कि अगर आपने 70 रुपीज मेरे को दिया तो 70 रुपीज अप्रिशिएट होकर 100 होगा, बिकॉज मेरी कंपनी भी बड़ी हो रही है। यस नो, परफेक्ट। तो लोग इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं आर्या के प्रोडक्ट में, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा सब कुछ करेंगे अच्छा है, करेंगे? तो दैट इज व्हाट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जोमेटो, रिलायंस, देन यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनी कंपनी, वो सब क्यों आती है शेयर मार्केट में? हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न मनी, बट वाई दे कम, बिकॉज दे वॉन्ट टू ग्रो देयर बिजनेस, उनको एक्सपांशन करना है। तो आपको पता है रिसेंटली कौन सा आईपीओ, कौन सा आईपीओ लिस्ट हुए, किसी को पता है क्या कौन से आईपीओ आए? अनिश डू यू नो? ओके आई विल गिव यू सम हिंट, ओके सर कैन यू प्लीज चेक अगर आपके पास पोल अवेलेबल है तो, बिकॉज मेरा मेरे में से पोल नहीं जा रहा है। अमोल सर, गौतम सर, हाँ, पोल पोल तो अवेलेबल अवेलेबल है बट सेशन है, वो जो इन जोमेटो वाला है वो आपको करना है, तो फर्स्ट वाला आईपीओ वाला कृष्णकांत एक्टिव। परब से जोमेटो, ओ अमेजिंग। पोल हैज बीन लॉन्च्ड। सर हो रहा है क्या पोल पब्लिश? यस हो गया ना, ओके। सो विच कंपनी रिसेंटली गॉट लिस्टेड, चेक करो ऑप्शंस, देखो डज एनीवन नो? ऑन गाइस, 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आउट। सर रिजल्ट दिखाओ, किसने क्या सिलेक्ट किया है, दे रहा शेयर द रिजल्ट। है आई कांट सी, बट ठीक है, क्या है सर रिजल्ट, प्लीज आप बताओगे? सबने, मोस्ट पीपल ने किस पे सिलेक्ट किया है?
मीडिया क्या मीडिया किसी ने सीमेंट सर सर आपने दूसरा पुल कर दिया इंडस्ट्री का कर दिया आई वाज टॉकिंग अबाउट आईपीओ सर आईपीओ था ये गलत था फॉर्म सॉरी सॉरी गाइस इट्स ओके नो प्रॉब्लम मतलब वी कैन नॉट सी द पोल ऑन स्क्रीन कैन यू शो अस द पोल ऑन स्क्रीन होल्ड ऑन चार्मी कैन यू लॉन्च द पोल आई विल मेक यू द होस्ट ओके They are showing you are logged in from another device. Your something they are saying that it's inactive. Surprise. अभी देखो. It's okay. I can't see you. You guys can see Arya, Jigisha, Anish. आपको दिख रहा है पोल? It's okay. जाने देते हैं. मैं आपको पूछती हूँ. आप मुझे unmute करके answer दो. ठीक है? Recently. Zomato list हुआ, Reliance list हुआ, Hindustan Unilever list हुआ, कौन सा list हुआ? किसी को पता idea है? कृष्णकांत परम ने तो already बोल दिया है, options दिए उसके पहले। Arya, do you know? Yes, no? Jigisha, Anish? So recently Zomato list हुआ, Zomato तो कितना बड़ी company है ना, कितने time से है, पर वो 3-4 महीने पहले list हुआ, पता है वो share market में आया, क्यों आया? मैंने आपको reason बताया, क्यों आया? Because they want to earn extra money. They want to grow their business. They want to earn, but that is byproduct. Earning is byproduct, but majorly they want to grow their business. Okay. So, yeah. Okay. So Zomato kya karta hai? Does anyone know? What does Zomato do? They deliver food from the food restaurants. That's the only thing they do. I would say no. That is one thing that they do. वो ना कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं मतलब कि अनिश राणे ने अगर फूड ये किया ऑर्डर किया ठीक है तो उनके पास डिटेल जाएगा अनिश राणे ने सपोज भगत तारा सिंह से उसने कुछ तो भगत तारा चंद से सॉरी वहां से उसने पंजाबी सब्जी ऑर्डर की है ठीक है जिगीशा ने लापिनो से पिज्जा ऑर्डर किया है आर्या ने डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर किया है सब उसके पास डिटेल जाएगा मैंने आपने सबने जो भी ऑर्डर किया है ठीक है तो वो क्या करता है कि ऐसे सबकी डिटेल है उसके पास कि कौन से एरिया से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है कितना प्राइस लोग पे करते हैं सब डिटेल है उसके पास तो अगर किसी न्यू होटल को अगर सपोज खोलना है किसी एरिया में मुझे होटल खोलनी है तो मुझे थोड़ी पता रहेगा कि कहाँ पे खोलना चाहिए विच इज द वन थिंग दैट पीपल लाइक अराउंड देयर राइट तो मैं क्या करूँगी जोमेटो को जाके पूछ सकती हूँ क्योंकि उनके पास तो डेटा है ना उनके उनको पता है कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा कौन क्या खाता है तो मैं उनके उनको जाके पूछ सकती हूँ कि आप मुझे बताओ कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने प्राइस पे रखना चाहिए यहाँ पे कितना प्राइस लोग पे करते हैं कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो दिस इज आल्सो वन थिंग दैट दे डू तो उसके लिए वो लोग होटल्स को एडवाइस करते हैं कि आपको कहाँ पे खोलना चाहिए क्या करना चाहिए तो दिस इज आल्सो वन सेगमेंट दैट दे डू ओके तो उसके लिए वो लोग फीस चार्ज करते हैं तो यहाँ से भी रेवेन्यू अर्न करते हैं वो लोग राइट तो ये सब हमको नहीं पता हमको सिर्फ एक एस्पेक्ट पता है तो ये सब चीजें ग्रो करने के लिए दे विल रिक्वायर मनी राइट इसके लिए आईपीओ आता है क्लियर सबको कॉन्सेप्ट यस नो अनिश सेइंग यस जिगीशा यस आर्या यस चैट बॉक्स में कृष्णकांत परब फिर निमिषा सब लोग है सबको समझा क्लियर पक्का यस अमेजिंग ठीक है तो अभी ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था किसी को याद है कैन एनीवन एक्सप्लेन शेयर होल्डर का मैंने लास्ट टाइम बोला था Oh my God, Anish Rane, come on, say. Shareholder is a person who owns a share in a company. Perfect. Nice, very good. So basically, if मैंने Zomato का एक share लिया, तो I become the owner of the company. एक share लिया, तो एक share का owner. पूरे company का owner नहीं. One share का owner, right? So, जो भी share purchase करता है, they are called shareholder. Sharehold कर रहे हैं? Shareholder. Clear? Yes, no? अभी yes. हम लोग कब का बोल रहे हैं शेयर मार्केट बट वेर इज दिस शेयर मार्केट कहाँ पे है कहीं पे देखा है भांडुप में देखा है घाटकोपर में देखा है हाँ, yes. कहाँ पे मुंबई में एनएससी है बड़ा बिल्डिंग अच्छा ओ वेरी गुड बट वहाँ पे जाके फिर आप बोलोगे कि मुझे रिलायंस के शेयर तो दे देंगे वो आपको नो आई हैव टू पे देम नो आई हैव टू पे देम बट ऐसे ही दे देंगे क्या और फिर वो एनएससी बीएससी है क्या वो पता है किसी को यस द स्टॉक एक्सचेंजेस You can go there. God. You can go there and buy stocks. Amazing. Instead Perfect. Of online, online you'll also have to pay commission, which is extra money because they will also have to buy stocks.
Right. They will buy stocks from your money and they have to give you extra money. So the company which is making the online platform for buying and selling stocks, they make money also. Yes, they need to earn money as well. Right. Correct. Krishnakant Parab says Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. Perfect. So basically, जैसे हमारी वेजिटेबल मार्केट होती है वैसे यहाँ पे भी शेयर मार्केट है. तो NSE BSE देर आर टू मार्केट्स, ठीक है, एक्सचेंजेस है ये दोनों. ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक पुराना है 1875 में आया था और एक अभी अभी आया 1992 में. तो अभी जो भी कंपनी को अगर ऐसा चाहिए कि मेरे शेयर लिस्ट हो, मेरे शेयर पब्लिक हो, तो NSE एंड BSE को जाके बोलेगा कि मेरे शेयर मुझे पब्लिश करने है, ठीक है. तो अभी वो जो प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है वहां पे सपोज रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एवरी ऑल द कंपनीज, जोमेटो, ऑल द कंपनीज आर लिस्टेड, ठीक है. तो यहाँ से अगर हमें बाय करना है शेयर तो कैसे करेंगे, हाउ वी कैन बाय द शेयर? अनिश ने ऑलरेडी आंसर दे दिया उसका. अनिश प्लीज से. ऑनलाइन, यस, ऑनलाइन यू कैन बाय शेयर्स ऑनलाइन. यू कैन ऑल्सो गो टू NSE एंड द BSE बिग बिल्डिंग्स फॉर ऑनलाइन. ओके, कूल, वेरी गुड. सो ओके, बेसिकली वी ऑर्डर फूड जोमेटो से. अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली रेस्टोरेंट को कॉन्टेक्ट नहीं करते, राइट? जोमेटो से ऑर्डर किया फिर जोमेटो टेक्स केयर ऑफ द डिलीवरी एंड एवरीथिंग, वो होटल को कॉन्टेक्ट करेगी. हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तभी भी एक कंपनी से हम लोग को मिंट्रा या कोई ऐप कनेक्ट करता है, राइट? सेम वे वी हैव ब्रोकर्स, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं अनिश, उसको बोलते हैं ब्रोकर्स. ओके, सो व्हाट दे डू कि दे आर द लिंक बिटवीन एक्सचेंज, मतलब NSE BSE है, फिर यहाँ पे ब्रोकर और यहाँ पे हम है. तो हम लोग को अगर शेयर्स का शॉपिंग करना है, वी वांट टू बाय अ शेयर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. व्हाट इज डीमैट अकाउंट? बैंक अकाउंट पता है आपको, तो वैसे एक डीमैट अकाउंट होता है, वहां पे आपको आपका पैसा डिपॉजिट करना है. सपोज आपको 10,000 के शेयर्स बाय करना है, तो आपने 10,000 डाल के रखे, वो 10,000 रुपीज आपके वो अकाउंट में रहेगी. एनी टाइम यू विश टू परचेज अ शेयर, वो 10,000 में से आपका, अगर आपने सपोज 1-2,000 के शेयर लिए, तो वो 10,000-8,000 हो जाएगा आपका, उसमें से अमाउंट डिडक्ट होते जाएगा एंड यू कैन बाय योर शेयर. तो डीमैट अकाउंट सेम लाइक बैंक अकाउंट होता है थोड़ा बहुत, बट यू कैन बाय शेयर फ्रॉम दैट अकाउंट. ओके, क्लियर? तो अभी वो जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं वो कौन है? एडलवाइस, अपस्टॉक्स. लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि मेरे पेरेंट्स अपस्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. अपस्टॉक्स क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, वो अपस्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते. वेयर डू दे इन्वेस्ट? दे इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट थ्रू अपस्टॉक्स, ठीक है. तो ये एक बीच का जो मीडियम होता है वो है ब्रोकर. तो अभी कोई भी शेयर की शॉपिंग करनी है, जैसे हम लोग अमेजोन को यूज करते हैं, जैसे हम लोग बाकी सब ऐप यूज करते हैं, सेम वे वी कैन यूज दिस. एंड फॉर दैट दे चार्ज अ कमीशन, जो अभी अनिश ने बोला, बिकॉज दे नीड टू अर्न मनी एज वेल, राइट? तो वो लोग ब्रोकरेज चार्ज करते, कुछ परसेंट चार्ज करते हैं. क्लियर कि कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं शेयर? अमेजिंग. So now where do we invest? कहाँ पे invest करना चाहिए? कौन से share? Yes, in companies. Say. Which companies? But there are so many companies. The ones which are making profits. How do you? How can we find which companies are making profit? Go to an app. Which app? Actually controls. Oh my god! Amazing. Okay, nice. So to simplify, ये slide हम लोगों ने last time भी देखा था. There are different categories, yes, of investment, right? चॉकलेट्स में टाइप्स होते हैं, फ्लावर्स में टाइप्स होते हैं, गेम्स में टाइप्स होती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में टाइप्स होती है, उसके अंदर भी शेयर मार्केट में भी टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती है. दोस कैटेगरीज आर कॉल्ड इंडस्ट्री. व्हाट इज इंडस्ट्री, किसको पता है? अनिश प्लीज से. इट्स अ फैक्ट्री बेसिकली इन अ वे. या इन नेचुरल सेंस यस, बट ऐसे अगर शेयर मार्केट के टर्म्स में देखे तो इंडस्ट्री क्या है? आर्या, यू वांट टू ट्राई? जिकिश, आप लोग को भी आंसर देना है. अनिश अकेला आंसर नहीं देगा, हम लोग भी आंसर देंगे. कम ऑन, फास्ट. एक कुछ रैंडम गेस बोल सकते हो, इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ओके, फाइन. सो बेसिकली शेयर मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं, एक इंडस्ट्री, मतलब कि जो सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी रहती है ना, जो सिमिलर काम करती है, उसको हम लोग एक इंडस्ट्री में डिफाइन कर देते, एक कैटेगरी हो गई. जैसे कि SBI, सारस्वत, कोटक, HDFC, ये सब क्या है? व्हाट आर दिस कंपनीज? क्या banks. है बैंक्स है, एक बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है. अभी स्पाइसजेट, इंडिगो, ये सब क्या है? एविएशन. एविएशन, एविएशन, परफेक्ट. तो ये एक इंडस्ट्री हो गई.
ठीक है, वैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, अभी पोल तो हो नहीं पाएगा तो मैं आपको पूछती हूँ, चलो अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री, करेक्ट, वेरी गुड. फिर सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, लुपिन, ये सब क्या है? फार्मास्यूटिकल. अमेजिंग. तो ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई. तो अभी हम लोग क्यों इंडस्ट्री समझ रहे, व्हाई डू वी नीड टू सिलेक्ट अ कंपनी, व्हाई डू वी नीड टू सी इंडस्ट्री? बिकॉज इक्वेशन ऑफ कंपनीज विद इंडस्ट्री क्या होता है, पता है? हम साथ साथ है वाला रिलेशन होता है. क्यों? क्योंकि थिंक ऑफ अ इंडस्ट्री एज, कार है उसका इंजन इंडस्ट्री है, ठीक है, और कार जो है वो कंपनी है. अगर इंजन अच्छा होगा तो कार बराबर चलेगी, यस नो? और कार खराब हुई तो इंजन भी खराब होने ही वाला इवेंचुअली, राइट? तो आपको ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है पहले कि जो अच्छी है, पॉइंट नंबर वन, तो अंदर की कंपनीज अच्छी करेगी. अभी पहले आपको इंडस्ट्री पता चल गई, सपोज जैसे कि कोविड आया था, तो व्हाट आर द थिंग्स वी स्टार्टेड यूजिंग? कोविड आया तो हम लोग बहुत सैनिटाइजर क्या होता था वो 90% ऑफ इंडियंस को पता भी नहीं था पहले, जब तक कोविड नहीं आता तब तक, बाद में पता चला. तो सैनिटाइजर क्या, एक केमिकल ही है, तो केमिकल कंपनीज के शेयर बढ़ने चाहिए क्योंकि उसके सेल्स बढ़ेंगे. आर्या के शेयर क्यों बढ़ रहा था, आर्या की कंपनी क्यों आईपीओ में है, क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ रहे थे, राइट? ऑर्डर्स बहुत सारे आ रहे थे. तो अगर सैनिटाइजर के ऑर्डर बहुत सारे आ रहे, केमिकल ज्यादा यूज हो रहा है, तो केमिकल कंपनी शुड राइज, यस नो? यस. फिर अभी कोविड आया तो वैक्सीन बना रहे थे, वैक्सीन मतलब क्या, एक ड्रग कुछ बना रहे, तो नहीं, कौन बनाता है? Who makes it? हम केमिकल कंपनीज का स्टॉक्स नहीं जाएंगे, क्योंकि केमिकल कंपनी सैनिटाइजर नहीं बनाएंगे, वो केमिकल्स बनाएंगे. बट सैनिटाइजर बनाने के लिए केमिकल लगेगा ना, रॉ मटेरियल. फिर केमिकल कंपनी बाय करेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी सैनिटाइजर जो फाइनल प्रोडक्ट है, राइट, दैट वी यूज हम लोग, राइट, उसके वो बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए होंगे. जैसे कि आर्या बॉटल बना रही है, उसके लिए उसके रॉ मटेरियल क्या है, पेंट चाहिए होगा उसको, नॉर्मल बॉटल चाहिए होगी. वैसे सैनिटाइजर बनाने के लिए भी केमिकल्स चाहिए होंगे, ऐसे तो वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, राइट? सैनिटर, सैनिटाइजर रिक्वायर्स अल्कोहल, OH, दैट्स व्हाई इट केमिकल कम्स. थैंक यू सो मच. हु सेड दिस? कृष्णकांत, वेदांत फादर. थैंक यू सर. राइट, गॉट इट अनिश? ओके, यस यस, फाइन. सो देन वैक्सीन बनाने के लिए कौन सी कंपनीज राइज करेगी, अगर वैक्सीन जिसने बनाया है, कौन सा इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. वेरी नाइस. तो वैसे जैसे कि अभी अगर आसपास अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सब लोग बहुत बात कर रहे हैं. डू यू नो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो चार्जिंग पे चलते हैं, राइट? उसके लिए भी वो भी एक इंडस्ट्री हो गई. ये सारी, प्लीज वापस बोलो, आपका आवाज नहीं आया मुझे. Yes. So, सब लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 10 years डाउन द लाइन. टेस्ला, श्रीनिधि पेटकर, थैंक यू सो मच. यस, तो 10 साल के बाद ऐसा, जैसे कि अभी नॉर्मल कार्स चल रही है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा यूज होने लगेंगे. तो ऐसे चांसेस है कि इसके सेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी उसका सेल्स बढ़ेगा आफ्टर 10 years, 20 years, यस नो? ऐसा प्रोजेक्शन है ना, वी आर फोरकास्टिंग, वी आर प्रेडिक्टिंग. तो हम लोग को अगर इन्वेस्ट करना है, सपोज अभी वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट अगर हम लोग को अभी अगर इन्वेस्ट करना है तो हम लोग वैसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जिसकी डिमांड बहुत ग्रो करने के चांसेस है, यस नो? जिसके सेल्स बढ़ेंगे फ्यूचर में, यस नो? जैसे कि अभी हम लोग जूम पे कर रहे हैं, सब लोग सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है, राइट? हम लोग अभी IT बेस्ड एजुकेशन होता है, तो वो ये सब जो बडिंग इंडस्ट्रीज है, राइट? यस नो? फिर कुछ है, कुछ इंडस्ट्री जो हमेशा चलने वाली है, जैसे कि फूड, जैसे कि FMCG सेक्टर बोलते हैं हम लोग इसको, जैसे कि हो गया ब्रिटानिया हो गया, ये सब हम लोग हमेशा कंज्यूम करते हैं, सॉल्ट हो गया, ये सब हमेशा कंज्यूम करते हैं, तो ये सब तो हमेशा रहने वाला है. तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज रहती है और उसमें से जाके आपको आइडेंटिफाई करना है कंपनीज. तो अगर सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपनी के बारे में जानना है तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया, ऐसा लिखोगे तो आपके सारे शेयर्स आ जाएंगे कि कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है. फिर उसमें जाके आप देख सकते हो, मनी कंट्रोल जैसे बोला, उसमें जाके देखना है कौन सी कंपनी प्रॉफिट करती है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन कंपनी संभाल रहा है, वो सब देखना है. यस नो, क्लियर? हाउ टू सिलेक्ट शेयर, बिंगो, नाइस. नाउ चलो, बहुत सारा बातें कर लिया, अभी एक गेम खेलते हैं. आप लोग किसको किसको जानते हो इसमें से? और अभी ये फाउंडर्स है, अभी ये फाउंडर्स की कंपनी कौन से, वो अनिश राणे. मैं आपको चांस दूंगी, पहले मुझे चाहिए किसी की. वेट 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 वेट,
सॉरी यस जिगीशा पाटिल पहले आप बोलोगे. Can we have all children to participate? Sir, Anish is answering. Yes. Please, everybody, we need participation from all. Krishnakant Parab, sir. Yes, please say. Aapne hand raise kiya hai. Please say. I think the first one is Jeff Bezos. Bas, okay. That's it. Okay. Kya karte hai wo? Kaun si company ke founder hai? Do you know that? The founder of Amazon. Okay. Amazing. Arya, you tell. I know the third important person. Okay. Srinidhi Petkar. Please say. Last one is Elon Musk. I can't hear you. Can't hear you, darling. Hello. Am I audible? No, you're not audible. Can you type in the chat? Hello. You're on mute, I suppose. Okay, Srinidhi Petkar, can you type? Yes, last one is Elon Musk. Okay, Tesla upar likha hai, to unko pata hai. Theek hai, fine. Then, wait. Jai More and Kea Khedkar, come on, say, Nimisha. Pata hai aapko? The fourth one is Mark Zuckerberg. Hello. So he said fourth one is Mark Zuckerberg. Okay. Jigisha, your turn. Okay, Jigisha Patil, yes, sir. Fifth one is Mukesh Ambani. Kaun si company unki? Reliance. Amazing. Okay. यार तुम लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो. सारे कंपनीज पता है, फाउंडर भी पता है आपको. ओके अनिश राणे यू बता दो. फोर्थ वन मार्क जकरबर्ग. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. ओके ट्विटर, आल्सो ट्विटर. रतन टाटा को कोई नहीं जानता? टाटा कंपनी नोबडी नोस. टाटा शेयर्स पता है आपको? टाटा सॉल्ट पता है? Yes, so he is the founder of Tata Group. Okay. Now, ये सब products use करते हो? ये product कौन सी company के है? Anish, last में reply दोगे आप? Hariya, you start. मुझे आपका आवाज clearly नहीं आ. Okay, Nimisha ने बोला. The second one is Ratan Tata. Thank you so much, Nimisha. Arya, आपको आवाज आ रहा है मेरी? Jigisha Patil, सबको आवाज आ रही है? Am I audible? Now, yes. Okay. So, अभी ये products कौन सी company produce करती है? मतलब कौन सी company के products है ये? कोई भी एक product ले लो. iPhone. Okay. कौन सी company? Apple. Okay. Jigisha, you tell. First one, Reebok. Okay. No, wrong. Sorry. Krishnakant Parab, please say. First one is of Nike. Yes, correct. Anish, you want to say? Yes. Anything? Yes. Third one is iPhone. Okay. Kaun si company? Company ka naam bhi batao. iPhone. Apple. Right. Okay. Nimisha says second Britannia. Okay. Maggie ka kisi ko nahi pata? Third Apple. Correct. And fourth Maggie कौन सी कंपनी? Srinidhi Petkar. Maggie is बराबर, but कोई कंपनी उसको बनाती रहेगी ना, प्रोड्यूस करती रहेगी. What is the name of the company? Nestle. Perfect. Oh my god, all these kids are so smart. Amazing. Okay, ठीक है. तो ये सब जो कंपनीज है, that is how you can identify companies. कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, you need to google it out and see if those shares are listed or not. Okay? आप लोग डीमैट में भी देख सकते हो. आपका खुद का डीमैट नहीं है तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि आपका अकाउंट दो, मुझे सिर्फ चेक करने दो कि क्या है क्या नहीं. ओके अभी कब स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करना? आफ्टर 18, 19, 20, 50 साल के बाद, 50 इयर्स ऑफ एज के बाद, 20 इयर्स ऑफ एज के बाद? हाँ बोलो अनिश. आफ्टर यू आर 18. व्हेन? आफ्टर यू आर 18, बिकॉज़ देन यू कैन क्रिएट अ लीगल अकाउंट. ओके जिगिशा, कब करना चाहिए इन्वेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर 18 इयर्स ओल्ड. आर्या, आपको क्या लगता है कब करना चाहिए इन्वेस्ट?
we can invest now as well, but we can't have our own account. We have to put our money in our parents' account and then we can invest. Okay. And I would say आपके आंसर गलत है. हम लोग ने वॉरेन बफे देखा ऊपर. फॉर मी नाउ कृष्णकांत परब, थैंक यू सो मच. ओके, तो इन्होंने पता है कब स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना? डू यू नो एज व्हेन ही वाज? मैंने लास्ट टाइम बोला था 11 इयर्स ओल्ड थे तभी, और उन्होंने $38 से स्टार्ट किया था. ठीक है, तो हम लोग भी कर सकते हैं. और आप जो बोल रहे हो कि डीमैट अकाउंट हम लोग अभी नहीं कर सकते, पापा के या मम्मी के अकाउंट से करना कर सकते हैं, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो. और हम लोग माइनर का अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो 18 के बिलो है उनका भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. बट यू कैन बाई शेयर्स बट यू कैन नॉट सेल शेयर्स. मतलब आपने अभी बाई किया एंड वेन यू आर अबाउ 18 बाद में आप वो अकाउंट से सेल कर सकते हो. ठीक है, तो आपको खुद का अकाउंट खोलना है, यू कैन ओपन इट बट यू कैन नॉट सेल द शेयर्स, यू कैन बाई द शेयर्स. ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो अच्छी अच्छी कंपनी सिलेक्ट करके. और इफ यू वॉन्ट टू बाई एंड एज वेल शेयर, तो आपको आपके पेरेंट्स का अकाउंट यूज करना है. क्लियर? अभी कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ कैन वी इन्वेस्ट नाउ? यस नो? यस राइट. तो अभी हाउ कैन वन स्टार्ट इन्वेस्टिंग? स्टार्ट कैसे करने का? व्हाट इज द स्टार्ट? यस अनिश से. You first have to create your account, buy stocks, wait for them to grow, and then you sell stocks. Or you can also do day trading, which is basically buy stock at the start of the day and sell them at the end. Perfect. Very good. Arya, you have a different answer. Jigisha, Krishnakant Parab, Shrinidhi Petkar, kuch aur? Any other starting point you have? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. अभी आप लोग 10th का बोर्ड का एग्जाम देते हो, उसके पहले प्रीलिम्स का एग्जाम आता है. यस नो? यस. प्रैक्टिस करते हो ना, फिर मैच खेलने जाते हो तो उसके पहले भी प्रैक्टिस लगता है. यस नो? करेक्ट. फिर आप लोग नॉर्मल एग्जाम देते हो तो भी प्रैक्टिस देनी पड़ती है. जो IPL खेलने जाते हो उसके पहले कितनी सारी प्रैक्टिस करते हो वो लोग. तो इन्वेस्टिंग भी बड़ा चीज़ है ना. ऐसे डायरेक्ट पैसे डालोगे, इट इज़ आर हार्ड अर्न मनी, राइट? ऐसे ही डाल देंगे? नहीं डालेंगे. वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू सी कि कैसे ये वर्क करता है पूरा चीज. डायरेक्टली अपना खुद का पैसा नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड किया सबने? यस नो? ओपन करो. आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस. मैम मेरा कैमरा ऑफ होएगा. हाँ कोई बात नहीं, आप ओपन करो. ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस विजिबल. ओके ठीक है, तो दिस इज मनी कंट्रोल. ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी कंपनी का कुछ भी अगर आपको जानना है, सपोज आपको रिलायंस के बारे में जानना है, तो आपको यहाँ पे रिलायंस टाइप करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसका जो शेयर प्राइस ये सब है वो सब. और हम लोग ये सब डिटेल में और आगे सीखने वाले हैं, बट जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर कोई भी शेयर के बारे में आपको जानना है. पर हम लोग अभी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर आप लोग फोन से एक्सेस कर रहे हो कि कंप्यूटर पे कर रहे हो, मुझे ये बताओ. आईपैड. आईपैड, ओके. ठीक है, मैं फोन से भी बता देती हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे एक माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन रहेगा अगर आपके फोन में आप करोगे तो. मैं एक सेकेंड, माई कंट्रोल. ओके, मेरा फोन विजिबल है प्रॉपरली? हाँ. तो यहाँ पे देखो, नीचे यहाँ पे ऑप्शन है पोर्टफोलियो, ओपन करो. सब लोग ओपन करो, ऐसे दिखाओ मुझे. सबका ओपन हो गया? चार्ली, डू वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ अकाउंट फॉर दैट? अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ता है? गूगल के साथ लिंक करके ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, साइन इन हो जाएगा. मैम मेरे के लिए नहीं है ऑप्शन. ऑप्शन नहीं है? ऐसे दिखाओ मुझे, आपका स्क्रीन दिखाओ अनीश. सो यू नीड टू साइन इन फ्रॉम योर जीमेल. I will need to share my screen. I've downloaded Money Control on the same account I'm doing on the same device I'm using Zoom. Okay. Do you have a different device right now with you? No. 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 Then, कैसे नहीं दिखा रहा? एक काम करो ना. I did download Money Control for iPad. Let me try downloading normal Money Control. Okay, try. आप कर लो, बाद में वी विल स्टार्ट. ठीक है, वी विल वेट फॉर अनिश. हम लोग सब लोग साथ में करेंगे. बाकी सब चैट बॉक्स में बताओ आपने खोला
मनी कंट्रोल. कृष्णकांत परब यस नो. निमिषा सब लोग ने ओपन किया. रजिस्टरिंग ओके. फाइन विल वेट फॉर 2 मिनट्स. आप लोग कर लो, रजिस्टर कर लो, ओपन हो जाए. एक बार आप सबका अकाउंट आपके पास ऐसे ये पेज दिख रहा है आपको. वंस यू आर ऑन दिस पेज लेट मी नो एंड देन विल स्टार्ट. चैट बॉक्स में यस भेज देना तो विल स्टार्ट. ओके हाँ मैम, मैंने डाउनलोड किया नॉर्मल मनी कंट्रोल. ओके अमेजिंग. आप लॉग इन हो जाओ उसमें. आपको गूगल से लॉग इन होना पड़ेगा या फिर कोई भी अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको. सुभाष साबिन ओके. शैल वी स्टार्ट. सबने ओपन कर दिया. यस आर्या अमेजिंग. ठीक है अनिश राणे डन. ओके श्रीनिधि सिंह डन. ओके विल स्टार्ट. तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे साइड में पोर्टफोलियो का ऑप्शन है. ठीक है मैं यहाँ पे नहीं हूँ रेडी. एक सेकंड. ओके अब मैं रेडी हूँ. ओके ठीक है फाइन विल स्टार्ट. तो यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ फिर मैं फोन पे भी बताऊंगी. यहाँ पे देखो आर्या लुक हियर. बाद में देखो मैं वापस बताऊंगी तभी नीचे देखना. साथ में देखो यहाँ पे. ओके तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है. स्टॉक्स म्यूचुअल फंड यूलिस बुलियन सब कुछ है. तो हम लोग पहले स्टॉक्स पे जाएंगे. ठीक है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. स्टॉक्स में जाएंगे ऐड करेंगे. नाउ हियर यू नीड टू सिलेक्ट कंपनी जो आपको पसंद है. सपोज रिलायंस फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे. ठीक है अभी यहाँ पे प्राइस आ गई विच इज दिस प्राइस जो फ्राइडे को 3:30 को क्लोज होता है. शेयर मार्केट कब होती है मंडे टू फ्राइडे होती है. ठीक है तभी जो लास्ट प्राइस जो था दैट इज द प्राइस दे आर शोइंग हियर. ठीक है अगर सपोज मेरे पास 10,000 रुपये है और मुझे इसमें से सिर्फ कुछ शेयर लेने मेरे को 4,000 के शेयर लेने तो मैंने सपोज 4,000-5,000 तक के शेयर लेने. तो यहाँ पे अगर मैंने क्वान्टिटी डाल दिया 2 एंड यहाँ पे एड ट्रांजेक्शन कर दूंगी तो ये एक मुझे दिखा देगा. अभी फिर ये पोर्टफोलियो में जब भी प्राइस चेंज होगा तो मुझे फ्लक्चुएशन दिखाएगा. अगर मेरे प्राइस मैंने जिस पे बाई किया उससे ऊपर है कि नीचे है तो इट विल शो मी लाइक दिस. ठीक है रिलायंस आई बॉट इट एट दिस प्राइस दिस मच 2 इज माई क्वान्टिटी. इतना क्वान्टिटी है मेरे पास. ठीक है तो सेम अगर आपको फोन में बनाना है तो फोन ऐसे दिखाओ मुझे. सब लोग रेडी हो. यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो का ऑप्शन है. पोर्टफोलियो का ऑप्शन है. स्टॉक्स में जाओगे यहाँ पे टॉप राइट पे ऐसा ऐड का ऑप्शन है. यहाँ पे फिर ये स्क्रीन आएगा. लुक हियर यहाँ पे हो सब लोग. मिला ओके जिगिशा डन वेरी गुड. अनिश आर्या श्रीनिधि नॉट हियर थिंक. वेर आर यू कहाँ पे स्टक हो बताओ. आस्किंग फॉर द ओटीपी. ओटीपी Why? मेरे को it's telling me that add mutual funds, stocks, ULIP and bullion. हाँ, so you need to select stocks. यहाँ पे stocks select किया. First जो है stocks आया. फिर यहाँ पे top right पे plus है. plus का sign है. देखो यहाँ पे top right पे plus का sign है. अब मैं एक page पे आया जिधर लिखा है add stocks account my account कंपनी नेम इन्वेस्टमेंट. हाँ परफेक्ट. तो यहाँ पे आओगे तो आपको कंपनी नेम है तो जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो कंपनी का नाम लिखोगे यहाँ पे. ओके अभी सपोज सब लोग लिखो कोई भी कंपनी का नाम लिखो. लिखा सबने. मैम मैंने एप्पल सर्च किया. मैम मैंने एप्पल सर्च किया और मेरे को नहीं आया. एप्पल नहीं आपको इंडियन कंपनीज ट्राई करो. इंडियन कंपनीज ट्राई करो. रिलायंस जोमेटो ये सब जो कंपनीज है वो सब ट्राई करो. ब्रिटानिया वगैरह. अरे आपको क्या हो गया नहीं हो रहा है क्या आपका. आप डेस्कटॉप से ट्राई करो लैपटॉप में ट्राई करो. अलग टैब खोलो उसमें लिखो मनी कंट्रोल फिर उसमें से लॉग इन करके ट्राई करो.
निकिश आपको मिल गया. ओके कृष्णकांत परब. यस नो चट्टे डाल दो. ओके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी नेम. ठीक है तो यहाँ पे आपको जो भी कंपनी आपको इन्वेस्ट करना है उसका नाम डालना है, इंडियन कंपनी डालना, तो ही आपको मनी कंट्रोल में दिखाएंगे. फिर इन्वेस्टमेंट डेट आज की डेट डाल सकते हो या फिर जो दिन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डेट डालनी है आपको. ठीक है फिर इन्वेस्टमेंट प्राइस कितने प्राइस पे आप वो करोगे वो अपने आप ही आ जाएगा, जैसे ही आप शेयर सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा. फिर क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी है कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको. तो अभी ये यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नो जो यस नो बोलो, कुछ डाउट है तो अभी क्लियर कर देते हैं, बाद में विल स्टार्ट अ गेम. बाकी के बच्चे प्लीज आंसर. मेरे को एक और एक ऑप्शन आया है इन्वेस्टमेंट प्राइस. मैंने 300 रुपीज डाला है. आपको प्राइस तो पूछ रहा अलग से डायरेक्ट नहीं है आपने आप शेयर का नाम डाला तो मैंने पहले कंपनी का नाम डाला इन्वेस्टमेंट डेट फिर इन्वेस्टमेंट प्राइस कुछ तो था मेरे को याद नहीं क्या था और मैंने क्वांटिटी है फिर. हाँ तो इन्वेस्टमेंट प्राइस खुद से आना चाहिए आपको, चेंज नहीं करना उसको, बैक करके छोटा प्राइस मत डालो, जो अभी प्राइस है वही देख डालना है आपको. ओह वन सेकंड स्मार्ट वो अपने आप जो आएगा उसको चेंज मत करो, इन्वेस्टमेंट प्राइस वही रहेगा जो लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ है, फिर आपको अभी से ट्रैक करना है वो पोर्टफोलियो. इन्वेस्टमेंट प्राइस 490.90 और फिर क्वांटिटी और फिर क्वांटिटी माय पासवर्ड बट इट इज शोइंग रॉन्ग एंड देन आई एम आस्किंग फॉर ओटीपी देन ओटीपी भी नहीं आ रहा उसको अलग ही आ रहा है ओटीपी नहीं आ रहा है. ठीक है गौतम सर आप अलग से उसको सिखाओगे? गौतम सर सिखाएगा आपको डोंट वरी. ठीक है तो अभी आपको क्या करना है कि ये हम लोग ने सीखा अभी यहाँ पे आप ना आपका फेक पोर्टफोलियो बना सकते हो, मतलब कि आपके रियल मनी नहीं लगेगा आपको 10,000. अभी एक टास्क दे रही हूँ आपको, सपोज यू हैव 10,000 रुपीज. ठीक है आपको शेयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, 10,000 को डिवाइड करके उस हिसाब से डालना है. यू कैन जितना भी नंबर ऑफ शेयर चाहिए आपको आप सिलेक्ट कर सकते हो. फिर लास्ट में जो पोर्टफोलियो बनेगा इट विल लुक लाइक दिस. वेट आपको मिनिमम 5 कंपनीज के शेयर सिलेक्ट करने हैं, 10,000 में कम से कम 5 कंपनीज आपको बाय करनी है. मैम वो कैसे करना है? मैम वो कैसे करना है नॉन रियल मनी से? हाँ वो जो हम लोग ने कंपनी नेम डाला क्वांटिटी डाला बराबर सब कुछ डाला फिर ऊपर सेव का ऑप्शन है यहाँ पे टॉप राइट में. ओके सेव किया तो आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि आपने इधर बाय किया है, ये प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहाँ पे दिखेगा. ठीक है वैसे करके यहाँ पे शेयर के नाम एड हो गए, फिर उसको स्क्रीनशॉट लेना आपको और ग्रुप पता है चिल्ड्रन एंड मनी उसमें आपको डालना है. अगर आप वो ग्रुप में नहीं हो तो आपका नंबर पोस्ट करो मैं आपको ऐड करती हूँ अभी. ठीक है चैट बॉक्स में आपका नंबर डालो मैं आपको ऐड कर दूंगी और उसमें आपको स्क्रीनशॉट डालना है आपके पोर्टफोलियो का. मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है. अच्छा ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है क्या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो फोटो? फोटो नहीं फोटो नहीं. ठीक है मुझे ऐसे ही बता देना कौन से शेयर्स आपने लिए, बाकी सब जो भी व्हाट्सएप पे और ग्रुप में नहीं है चिल्ड्रन एंड मनी के वो आपका नंबर पोस्ट कीजिए तो मैं आपको ऐड कर दूंगी अभी. ठीक है मैम हाउ कैन आई एडिट दैट क्वांटिटी आई एक्चुअली डिड एंड इट वेंट अबाउट 10,000. ओके सो ऊपर एडिट का ऑप्शन है देखो यहाँ पे प्लस जो है उसके बाजू में लास्ट में एक पेंसिल करके साइन है तो वहाँ पे यू कैन एडिट स्टॉक्स में जाना है आपको and then you can edit your quantity here units में जाके you can edit your quantity like this. मिला आपको? Yes ma'am. Okay good. तो अभी 11:50 हुआ है आपके पास 11:55 तक का time है you need to make your portfolio and ठीक है आपको screenshot लेना है. आपके पास 10,000 रुपए हैं और कम से कम 5 stocks लेने हैं आपको minimum 5 stocks you need to buy. Okay and फिर वो group में post करना है आपको, अगर group में नहीं हो तो number भेजो मैं अभी आपको add कर दूँगी. ठीक है और कंपनीज देखो वैसी चूज करना जो जिसकी डिमांड के चांसेस बहुत है आगे जाके बढ़ने के लिए, वो सब जो हमेशा उसके प्रोडक्ट चलने वाले. वैसे मैं माय रूट नेस्ले एंड द अमाउंट फॉर वन स्टॉक वाज 19K तो वो 19,000 का शेयर है तो यू कैन नॉट बाय दैट शेयर, उसका साइज ही बढ़ा है ना प्राइस ही बढ़ा है तो वो अपने ये जो पैरामीटर्स है उसमें ही कैंसिल होगा. सो यू नीड टू सिलेक्ट डिफरेंट शेयर. You cannot buy that company. Yes.
आर्या आपका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ना? आ गया, मैं देख रही हूँ अभी हो रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, मुझे अपडेट करो क्या है। ठीक है, आपने गूगल से लिंक किया क्या अकाउंट को? नहीं नहीं, वो गूगल से अकाउंट लिंक किया तो फिर वो मेरे को ये पूछ रहा है, परमिशन पूछ रहा है पेरेंट का, तो फिर मेरे को वो पासवर्ड लगेगा। ठीक है फाइन, बाकी सब बनाओ पोर्टफोलियो, मैं वेट कर रही हूँ आपके स्क्रीनशॉट का, मुझे देखना है कौन सा पोर्टफोलियो बना रहा है। मैम यस, व्हाट डू वी हैव टू डू इन इन्वेस्टमेंट डेट? आपको आज का डेट सिलेक्ट करना है 24/10। ओके नहीं हो रहा है। मैम मेरे एक स्क्रीन में दिखा रहा है कि मैंने आज का 1.28% लॉस किया है। लॉस? ओके, पहले आप पोर्टफोलियो मुझे फिर बताओ, और 1.28% का लॉस क्या कैसे आ रहा है मुझे बताओ, आपको बताती हूँ। पहले रुक जाओ, सबको हो जाने तो बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आई एम एडिंग पीपल इन द ग्रुप, गिव मी 2 मिनट। Ma'am, I have done my portfolio, so what should I do next? आप ये लिंक से यस, मैंने ये लिंक डाला है चैट बॉक्स में, उससे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो पाओगे क्या? बिकॉज मुझे नंबर शोकेस नहीं हो रहा है या फिर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो आप ये लिंक से ज्वाइन हो जाओगे ग्रुप पे, प्लीज ज्वाइन हो जाओ। श्रीनिधि, शुभाश्री, एक बार ज्वाइन हो जाओगे बाद में मुझे थम्स अप दे दो। ओके, एक जने ज्वाइन किया है। वंस यू आर डन विथ योर पोर्टफोलियो यू कैन पुट द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप।
with your name. Okay, put the photo and write down your name below. Start posting your screenshot. Time up ho gaya, 11:57 ho gaya, 11:55 tak ka time tha hamare paas. Come on. Let's see kaun sabse pehle apna portfolio dalta hai. Anybody who is done, please put your portfolio on the WhatsApp group. I don't have WhatsApp. Okay, Anish, you can share what stocks you have bought. Okay. Srinidhi Petkar, what are you saying? WhatsApp web is opening, matlab? Krishnakant Parab sir ka portfolio aa gaya hai, Charmi, if you can share okay. That. Yes, one second. To join the group, I need WhatsApp on laptop. Okay, to aap laptop se, I guess, ये कर रहे हो एक्सेस कर रहे हो इसके लिए आपको डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे लेके जा रहा है मतलब व्हाट्सएप वेब पे लेके जा रहा है आप क्या कर सकते हो कि मोबाइल से लॉगिन कर सकते हो जूम पे और आप डायरेक्टली वहां से आपको फिर फोन में दिखाएगा ज्वाइन चैट का ऑप्शन तो फोन से लॉगिन करके कर सकते हो ठीक है जूम पे आप लॉगिन करो फोन से वेदांत परब तो वेदांत ने रिलायंस बाय किया है देन उसने SBI buy किया है। Can you share the screen of WhatsApp? Okay, wait one second. Can you see the screen? Yes. Yeah. So, उन्होंने Reliance buy किया है, SBI buy किया है, Cipla buy किया है, ITC buy किया है, and Tata Motors. Total 10,000 का investment किया है उन्होंने. And okay, fine. We'll wait for other people to send their portfolios. Perfect, Vedant. Very good. Very good. Amazing. So 1.44% का loss दिखा रहे हो. आर्या आप बाद में वापस सेशन के बाद ट्राई करना और बाद में वापस आप स्क्रीनशॉट कभी भी भेज सकते हो नो इशू ओके ओके यस एनीबॉडी एल्स इज वांटिंग टू शेयर हिज पोर्टफोलियो Subhashree saying, ma'am, what quantity I'll need to put company name, Britannia investment price 3690. So what you can do, suppose aapko jitne bhi shares lena hai, theek hai? Abhi aapko 5 company select karna hai, to 3690 matlab ek shares loge to aapka 3690 10,000 mein se cut ho gaya. In case still, agar aapko 10,000 ka suppose yehi share lena hai, to 10,000 divided by 3690 karoge, to two quantities you can get. Aisa aapko calculate karna hai, 10,000 divided by the price of the share.
तो यू विल अंडरस्टैंड. अगर आपको 5000 का सपोज लेना है तो 5000 के डिवाइड में कर सकते हो, 6000 का लेना है वो सब से आपको कोई भी जितने अमाउंट का लेना है उसको डिवाइड बाय शेयर प्राइस करोगे तो यू विल गेट द क्वांटिटी. ओके सुभाष क्लियर. Anishani is saying, I bought TCS, Reliance, Zomato, Ambuja Cement, Tata Motors. Amazing. Very good. 1.28% okay, loss. Okay, ma'am. Thank you. Anytime, Subhashree. 1.28% loss. Abhi, Anish, kya karege? Loss mein chale gaye. श्रीनिधि आपका हुआ व्हाट्सएप का इश्यू सॉल्व? मैम स्टॉक मार्केट कब ओपन रहता है इंडिया में? सुबह 9:15 को स्टार्ट होता है और 3:30 तक चालू रहता है मंडे टू फ्राइडे. ओके इसलिए आज स्टॉक्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है. हाँ इसलिए नहीं हो रहा है चेंज. हम लोग आज बाय नहीं कर सकते, ये फेक पोर्टफोलियो इसलिए हम लोग आज बाय कर रहे हैं. अदरवाइज आपको मंडे टू फ्राइडे में ही बाय कर सकते हो आप, सैटरडे संडे छुट्टी. मैम आई ज्वाइन ग्रुप. ओके श्रीनिधि प्लीज पोस्ट योर पोर्टफोलियो. मैं सबका वेट कर रही हूँ. अनिश का मिल गया मुझे, जिगीशा बाकी है, देन सुभाश्री सुभाश्री का बाकी है और मुझे वेदांत का मिला. मुझे जब तक सबका नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं जाने दूंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी. मुझे सबका पोर्टफोलियो चाहिए. जय उर्जित. उर्जित बाकी सब क्या कर रहे हैं? पिया सावला, पिया खेतकर, उर्जित सामंत, कृष्णकांत परब का आ गया मुझे, जिगिशा पाटिल. कम ऑन क्या कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ मुझे. जय मोरे, अनिश राणे का आ गया. चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन. श्रीनिधि का आ गया? नहीं श्रीनिधि ने ज्वाइन किया है ग्रुप. आई गेस शी विल पोस्ट नाउ. उसका व्हाट्सएप का इशू आ रहा था. किया खेतकर कम ऑन फास्ट. सबका पोर्टफोलियो चाहिए और आ रही है आपका चाहिए मुझे. मैं कल कॉल करके पूछूंगी आपको, आपको सेंड करना है आज बाय टू नाइट. यू नीड टू सेंड. ओके सुभाष ने भेजा है. शी हैज बॉट टीवीएस मोटर, एसबीआई, जोमेटो, अंबुजा सीमेंट, टाटा मोटर्स. अमेजिंग अमेजिंग सुभाष जी. ठीक है और बाकी सब? जिगीशा आपने पोस्ट नहीं किया पोर्टफोलियो. क्या हो रहा है बताओ ना, कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ शेयर्स नहीं आ रहे हैं, एनीथिंग रॉन्ग? यू कैन टेक हेल्प, इट्स ओके. मैम आई सेंड स्क्रीनशॉट. अमेजिंग श्रीनिधि थैंक यू. सॉरी वी आर वेटिंग फॉर जिगीशा. जिगीशा यू पोस्ट योर स्क्रीनशॉट. इट्स ओके चार्मी. ओके फाइन. तो अभी आपने ये सब पोर्टफोलियो बनाया तो अभी आपको क्या करना है, एवरी डे अगर आपको एवरीडे टाइम नहीं मिलता है तो एवरी वीक या मंथली उसको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे, आपने कौन सी प्राइस पे बाई किया था. यहाँ पे लिखा हुआ है 2627, अभी उससे ऊपर है, नीचे है, प्राइस में कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं वो आपको पता चलेगा. इफ सपोज कोई शेयर बहुत ज्यादा नीचे चला गया या बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो आपको क्या करना है कि आप वो शेयर पे क्लिक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स देख सकते हो, कुछ न्यूज आया है, क्या हुआ है ऐसा, कितना ज्यादा ऊपर चला गया, इतना ज्यादा नीचे चला गया. अगर आपको जो भी रिजल्ट है यू कैन शेयर ऑल्सो इन द ग्रुप. एक वीक के बाद आपको सब कुछ, आपका पोर्टफोलियो डाउन है, एनीथिंग इज फाइन.
आपको वो स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर सकते हो. यू कैन सेंड इट, सेंड दैट स्क्रीनशॉट ऑन मेल एज वेल. कैसे भी आप कॉन्टेक्ट करके हमको बता सकते हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है, ये पोर्टफोलियो आपको रखना है आपके पास, एंड उसको एवरी डे एवरी वीक रिव्यू करना है. ठीक है, तुमको पता चलेगा कि फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं शेयर प्राइस के. करोगे सब? यस नो? जिगीशा सब लोग करेंगे? किधर गया अनिश राणे? करेंगे सब लोग? नो? यस? रिव्यू करोगे पोर्टफोलियो? नहीं करोगे अनिश? ये क्या होता है ना. ओके ठीक है, फाइन. तो मजा आया सेशन में सबको? नया नया सीखा सब? शेयर मार्केट पता चली? अमेजिंग. ठीक है, ओवर टू यू अमोल सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू चार्मी. होप सबको पसंद आया सेशन. हम लोग इंटरेक्टिव करना चाहते हैं, जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा होगा. एंड होप आप आज आपने कुछ नया सीखा स्टॉक मार्केट्स के बारे में. ये सैम्पल पोर्टफोलियो या ये वर्चुअल पोर्टफोलियो इसी लिए क्रिएट किया है कि आप स्टॉक्स जो आप चाहते हैं या जो आपको लगता है कि आने वाले समय में अच्छे बढ़ सकते हैं, आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो, सैंपल पोर्टफोलियो या वर्चुअल पोर्टफोलियो क्रिएट करें और उसको ट्रैक करें. बेसिकली द पर्पस और द जिस्ट ऑफ दिस सेशन वाज कि वी फील एज चिल्ड्रन यू शुड कम अर्ली इन स्टॉक मार्केट्स. आपको आप जितने जल्दी इसके बारे में सीखेंगे, बड़े होके आप कुछ कोई भी फील्ड में जाए, मतलब आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बन जाए, वॉट एवर फील्ड यू चूज इन योर लाइफ, बट फाइनेंस इज वन फील्ड जिसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. और जितना जल्दी आप इसको सीखेंगे, बिलीव मी, विच एवर फील्ड यू आर, यू विल ऑलवेज हैव मनी इन योर पॉकेट. आपके पास पैसा होगा, आपके पास वेल्थ होगी, और आप पैशनेटली आपके फील्ड को परस्यू करेंगे, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ. But if you have money with you, that will definitely help you ahead. So the purpose of this session was to make you understand कि आप पैसे wealth कैसे create कर सकते हो. आप you need to understand about different companies, जैसे चार्मी ने बताया कि different sectors के बारे में आपको जानना जरूरी है, different industries के बारे में जानना जरूरी है, electrical vehicles, pharma sector, whichever आपको जो लगता है अगले 5 साल में या 10 साल में ये सेक्टर आउट परफॉर्मिंग रहेगा या ये इंडस्ट्री आउट परफॉर्मिंग रहेगी, उस कंपनीज को आप आपके सैंपल पोर्टफोलियो में डालिए. स्टार्ट अर्ली, सो द मोर अर्ली यू स्टार्ट इट इज बेटर फॉर यू. यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल. सो थैंक यू चार्मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन. फ्यू पॉइंटर्स दैट आई वुड लाइक टू समराइज टूडे. जैसे मैंने बोला कि हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. द पर्पस इज कि आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में या फाइनेंस के बारे में या स्टॉक मार्केट्स के बारे में उसमें डिस्कस करें. आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके फैमिली के साथ ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसमें आप फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें, इक्विटी मार्केट्स के बारे में या स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें. सैम्पल पोर्टफोलियो जो मनी कंट्रोल में आपने आज बनाया है उसको ट्रैक कीजिए फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स. इट विल हेल्प यू कि आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो कैसे ग्रो कर रहा है या कैसे ग्रो नहीं कर रहा है. डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स. जैसे चार्मी ने बताया कि डीमैट अकाउंट आप अपना खोल सकते हैं. माइनर्स कैन ऑल्सो ओपन अ डीमैट अकाउंट. जैसे माइनर्स का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वैसे माइनर्स का डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं. बट द ओनली प्रॉब्लम इज यू कैन ओनली बाय शेयर्स इन माइनर डीमैट अकाउंट, यू कैन नॉट सेल इट. सो स्टार्ट विद अ सैम्पल पोर्टफोलियो, वर्चुअल पोर्टफोलियो जैसे मनी कंट्रोल में आपने क्रिएट किया है. ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप वर्चुअल पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं. स्टार्ट स्मॉल, पेपर ट्रेडिंग हम इसको बोलते हैं या वर्चुअल पोर्टफोलियो जो बोलते हैं. सो इसमें इसको आप ट्रैक करना पहले शुरू कीजिए. स्टार्ट डिस्कसिंग इट विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली कि आप कौन से स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो कौन से कंपनीज या वो कौन से सेक्टर्स में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं. They will be more than happy to share with you. I hope कि उनका बच्चा you are taking interest in the stock markets in such a small age. So they will be happy to share and discuss with you कि कौन से ideas में आपको invest करना चाहिए या वो कौन से stocks में वो invest कर रहे हैं. So all we want to say is make it a habit. आप अगर थोड़े से finance के बारे में इस age से disciplined होंगे, आप इसको एक finance investing को आप एक habit बनाएंगे,
इट विल बी बेटर फॉर यू इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स. आपके पास खुद की आपकी वेल्थ होगी जो आप अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं. वन मोर पॉइंटर दैट आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल कि बर्थडेज पे आप लोग गिफ्ट लेते हैं पेरेंट्स से. सो ये एक्सरसाइज हमने शुरू की थी कि आप अपने पेरेंट्स से बर्थडेज पे यू कैन आस्क फॉर अ स्टॉक फ्रॉम हिम कि आपको एक स्टॉक ये स्टॉक बाय करना है बर्थडे प्रेजेंट के लिए. यू कैन बाय अ कंपनी, कोई भी एक स्टॉक के शेयर होल्डर आप बन सकते हैं. सो एक्चुअल में आप एक कंपनी बाय कर सकते हैं आपके पेरेंट्स के अकाउंट में एंड दैट कैन बी अ गुड बर्थडे गिफ्ट फॉर यू. आने वाले 4 साल 5 साल या 10 साल में प्रॉब्ली दैट कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर, मतलब वो इतना ज्यादा ग्रो करेगी, इतने प्रॉफिट्स आपको देगी, दैट मनी विल बी विथ यू. सो आई होप दिस वॉज अ इंटरेक्टिव और एजुकेटिव सेशन फॉर यू. चार्मी मैं भूल गया, कैन यू पुट अप द फीडबैक फॉर्म इन द चैट बॉक्स. सो अगर आपको अच्छा हम बच्चों से तो और पेरेंट्स अगर आपके साथ है तो वी वुड लाइक टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम यू. वी आर जस्ट पोस्टिंग द फीडबैक फॉर्म इन द चैट बॉक्स. आपको ये सेशन कैसे लगा? वी वांट टू ड्राइव दिस सेशंस ज्यादा करना चाहते हैं सो दैट मोर एंड मोर चिल्ड्रन पार्टिसिपेट. स्कूल्स में अनफॉर्चूनेटली आप वो भी लिख सकते हो उसमें. एंड अनिश रानी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम जिनको देख रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं लिंक भी डाल रही हूँ फेसबुक का, फर्स्ट 2 रिकॉर्डिंग्स का. सो आप वो भी एक बार देख सकते हो जिसमें हम लोग ने चिल्ड्रन एंड मनी के बारे में बात किया था. एंड आई एम पोस्टिंग फीडबैक फॉर्म एज वेल, प्लीज फिल इट सो वी नो कि कैसा लगा, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, कौन से टॉपिक्स आपको पसंद आएंगे. ठीक है, सो फटाफट फीडबैक फॉर्म फिल कर दो एंड थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन जो है वो म्यूचुअल फंड क्यों सही है उसके बारे में होगा, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स. वहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड क्या है वो सब नहीं समझेंगे, दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड इन द प्रीवियस सेशन, तो वो आप देख सकते हो. म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों राइट है, कितना रिटर्न मिला है ओवर द ईयर्स, फिर कैसे करना है, वो सब के बारे में बात होगी. वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, पर उसके लिए आपको चाहिए तो आपके पेरेंट्स को बोलना है कि आप पेरेंट्स को बोलो अटेंड करे म्यूचुअल फंड क्यों सही है वो सेशन. अमोल सर, गौतम सर और मैं, हम तीनों लेने वाले वो सेशन, मजा आएगा उसमें भी, हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे. ओके, तो एनी लाइव फीडबैक, एनी लाइव फीडबैक फ्रॉम एनीबॉडी, कोई एनीबॉडी वांट्स टू शेयर आज का सेशन आपको कैसे लगा, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. यस, लव्ड इट आर्या, थैंक यू सो मच. Loved it, very informative. Thank you, Krishnakant sir. Feedback form, please fill it or ask your parents to fill it, and we want to do more such sessions and improvise on whatever we are doing. Thank you so much for your lovely comments, Jigisha, Krishnakant sir, Arya. Thank you so much. And please, the intention or the purpose of this session is ki aap investments ke bare mein, this is the right age. Probably hum jab ye age mein the, nobody told us about it. But I think, jaise Charmi ne bataya, Warren Buffett, who is the successful investor in the world today, he's the one of the most successful investors. Usne, he started at the age of 11. So the earlier you start, it is better for you. And all the best. To you, and thank you so much. Yeah, thank you. Bye. See you. Bye. All next Sunday. Yes. Same time. Bye. Bye.